नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूँ आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर चिला बिजनौर के धामपुर से है, जहाँ आरएसएम कॉलेज में ट्रास्टर वर्कशॉप और किसानों के जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना और स्वागत गीत से हुआ, जिसे सस्य विज्ञान एमएससी की छात्राओं ने प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि ज्योति राणा, राणा प्रियंकर सिंह, नरेंद्र सिंह, निर्जा सिंह, सचिव डॉक्टर एस के राजपूत, प्राचार्य प्रोफेसर राजेश सिंह चौहान, धामपुर शुगर मिल अध्यक्ष सुभाष पांडे, डॉक्टर भारती चौहान द्वारा कृषि मेले का उद्घाटन किया गया। मुख्य वक्ता पद्मश्री भारत भूषण त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में आज दूसरे हरित क्रांति की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षा, अनुसंधान, कृषि और नीतिगत समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि प्राकृतिक असंतुलन, बीमार जमीन, पानी की समस्या, आर्थिक संकट, खाद्यान्न श्रृंखला में कमजोरी, गाँव की कमजोर स्थिति, कृषि के घटते सम्मान को देखते हुए आज कृषि के प्रति नई नीति, नई दृष्टि और स्वदेशी तकनीक पर बल दिया गया है। इस अवसर पर कृषि से संबंधित अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए। अतिथियों के साथ साथ किसानों, अभिभावकों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं द्वारा इनका अवलोकन किया गया। स्टॉल में कृषि से संबंधित खाद, दवा, तकनीक, ट्रैक्टर इत्यादि को प्रदर्शित किया गया। ट्रैक्टर वर्कशॉप में फ्रॉम फील्ड टू राइट्स पुस्तक का विमोचन किया गया। विमोचन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भारत भूषण त्यागी, मुख्य अतिथि PBFRA के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर उमाकांत दुबे, धामपुर शुगर मिल के अध्यक्ष सुभाष पांडे, सचिव डॉक्टर एस के राजपूत, प्राचार्य प्रोफेसर राजेश सिंह चौहान, आयोजक सचिव डॉक्टर आकाश और समन्वयक प्रोफेसर SS पाल उपस्थित रहे। पुस्तक के संयुक्त लेखक प्रोफेसर राजेश सिंह चौहान, डॉक्टर भारती चौहान, डॉक्टर आकाश वीर सिंह है। किसानों के जागरूकता संबंधी राष्ट्रीय वर्कशॉप में मुख्य अतिथि सुभाष पांडे ने शिक्षा और शिक्षार्थी के समागम को एक सार्थक और सफल आयोजन सिद्ध करते हुए कहा कि आरएसएम कॉलेज धामपुर के कृषि के छात्र छात्राओं को धामपुर शुगर में भविष्य में रोजगार देने के लिए निरंतर प्रयास करेगा। उन्होंने पहली बार कृषि महाविद्यालय द्वारा इस आयोजन के लिए प्राचार्य प्रोफेसर राजेश सिंह चौहान की प्रशंसा की। प्राचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि इस कृषि महाविद्यालय में किसानों, छात्र छात्राओं, आम जनता, व्यापारियों और शिक्षकों को एक मंच पर लाकर समूचे भारत को खिलाने वाले अन्नदाता की समस्या, संभावना और भविष्य को साकार करने का उनका सपना सफल हुआ है। उन्होंने अपने अतिथियों, प्रबंध तंत्र, शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों, छात्र छात्राओं, किसानों, सभी साथियों, कार्यक्रम के स्पॉन्सर, सभी की भूमिका की सराहना की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि के साथ साथ जिले के प्रगतिशील किसानों को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मौजूद प्रगतिशील किसान शरद ने कहा कि कृषि एक जीवन शैली है और फसलों के विविधीकरण द्वारा स्वरोजगार का सृजन किया जा सकता है। प्रगतिशील किसान सुमन रानी ने किसानों के आत्मविश्वास पर बल दिया और अपना सुझाव साझा किया। PBRFA नई दिल्ली के नितेश वर्मा ने पावर पॉइंट प्रस्तुत कर सभी लोगों को कृषि संबंधी बौद्धिक कानूनों की बारीकी से परिचित कराया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर SS पाल ने किया। इस दौरान प्रोफेसर VK शर्मा, प्रोफेसर SS कटियार, प्रोफेसर पूनम घई, प्रोफेसर शिवराज सिंह, प्रोफेसर रमाकांत, डॉक्टर रवि, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर SP सिंह, डॉक्टर विनय दुआ, डॉक्टर राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर OP मौर्य, डॉक्टर अर्चना गहलोत, डॉक्टर भारती चौहान, मदन पाल सहित भारी संख्या में छात्र मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।